चीन में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अलर्ट हो गई है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री की तरफ से स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। निर्देशों में कोरोना की जांच और उसके उपचार शुरू करने की व्यवस्था को लेकर भी कहा गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना जिन देशों में तेजी के साथ फैल रहा है, उन देशों से आने वाले यात्रियों की जांच करवाई जाए। इसी के साथ पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, जिससे कि कोरोना वायरस के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की तरफ से प्रदेश के सभी CMO और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि सर्दी, जुखाम और अन्य लक्षण वाले यात्रियों को चिन्हित किया जाए और उनकी कोरोना जांच करवाई जाए। इसके साथ यात्रा से लौटे यात्रियों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विदेशों की यात्रा से लौटे लोगों की सूची बनाई जाए। इसी के साथ 12 से 14 दिन तक उनकी सेहत पर नजर रखी जाए। किसी भी तरह की परेशानी होने पर फौरन उनका उपचार शुरू कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ भीड़ वाले स्थान जैसे शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की तरफ से जारी निर्देशों में कोरोना की जाँच और उसके उपचार को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। संबंधित विभाग और अधिकारियों से कोविड-19 संक्रमितों की भर्ती की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही RT-PCR, CT स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी की जांच से जुड़े संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था भी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि मास्क, PPE किट और ग्लव्स को भी अच्छी मात्रा में जुटा लें। उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की भी पूरी तरह से व्यवस्था रखें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर किस तरीके की गाइडलाइन उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया? देखिए, दुनिया के दूसरे देशों में विशेष चीन में जिस दिन से कोविड के मामले बढ़े हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड को लेकर हमने सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए हैं। सभी एयरपोर्ट्स पर, बस स्टेशन पर और रेलवे स्टेशन पर जितने भी यात्री आएंगे उनकी जाँच की जाएगी और कहीं भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। जहाँ भीड़ भरे स्थल हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं, स्कूल हैं बच्चों के, वहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल के लिए हमने एडवाइजरी जारी की है और सभी नागरिकों को भी कहा है और CMOs को भी कहा है और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों को कहा है कि तत्काल ऐसे सुरक्षा के निर्देश जारी करें कि किसी भी स्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो और सतर्कता से यदि कहीं भी शंका मिलती है तो जांच करें और उसको तत्काल ट्रीटमेंट प्रदान। क्या जो पॉजिटिव केस आएंगे उनके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग और इसके लिए भी जो जो पॉजिटिव केसेस बाय द वे अगर आते हैं, पहली बात तो हमारे पास केसेस नहीं है, बाय द वे आते हैं तो हमारे पास चिकित्सा व्यवस्था के सारे इंतजाम किए गए हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट तैयार है और कोई चिंताजनक बात नहीं है। केवल प्रोटोकॉल इसलिए जारी किया है कि जो अन्य देशों के यात्रा करके यात्री हमारे या वहाँ के यात्री हमारे आएंगे तो उनकी जांच के उपरांत ही हम अपने राज्य में उनको प्रवेश देंगे, जिससे कोविड की फैलाव को रोका जा सके। एयरपोर्ट पर किस तरीके से? एयरपोर्ट पर हमारे जो कर्मचारी हैं वो तैनात होंगे और सभी ऐसे लोग जो विदेश से यात्रा करके आ रहे हैं उनकी हम जाँच करने के बाद ही शहर में उनको प्रवेश करेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के केस कई देशों में एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर डर बना हुआ है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर विचार करें। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि अगर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा सकता है तो राहुल जी को इस यात्रा पर विचार करना चाहिए। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों की तरफ से इस यात्रा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।